जय माता दी। दांत कैसे बनते हैं और कैसे यह हमारे जीवन प्रभावित करते हैं, दांत को बनाने में और दांत को संभालने में किसी एक ग्रह का योगदान नहीं होता। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, ये दांत किस प्रकार से हमारे करियर को इफेक्ट करते हैं, किस प्रकार से ये मैरिड लाइफ को इफेक्ट करते हैं, किस तरह से ये आपके फाइनेंस और आपकी सेहत को प्रभावित करते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, और वो भी कैसे, ग्रहों के माध्यम से। और आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर उस ग्रह को चेक कर लीजिएगा और साथ ही साथ उसकी टाइमलाइन चेक कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके दांत में वही समस्या आई थी या नहीं आई थी। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बुध की। बुध मसूड़ों के अंदर जो नसें होती हैं उसके मालिक होते हैं। ये दांत को स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं कि दांत अपनी जगह से हिले नहीं। दांत का काम क्या होता है, काटना, पीटना, चबाना, किसी चीज को उसके लोशन में कन्वर्ट कर देना, साथ ही साथ जीभ सपोर्ट भी देती है ना। तो जो काट पीट हो गई, जो दांतों ने पूरी तरह से लोशन जो बनाया वो मंगल की सपोर्ट से बना, लुगदी बना दी खाने की, और इसीलिए ये मंगल को दरवाजे पर ही यानी कि मुंह पर ही बिठा दिया है, मुंह के अंदर ही बिठा दिया है, ताकि जो अंदर आंत है हमारी, जो पैनक्रियाज है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, इनको ताकि हमें सही तरह से चबाया हुआ भोजन मिले, जिससे हमारी आंत अच्छी रहे, हमारा स्टमक बिल्कुल फिट रहे। इसके बाद जब ये लुगदी बन गई, खाना पूरी तरह से चबा लिया और उसका रस बन गया, तो रस हो गया चंद्रमा, है ना। अब जब वो अंदर जाएगा तो उससे पूरे के पूरे विटामिन्स, प्रोटीन्स, उसकी जो भी ताकत है, हमारे जो लीवर को मिलने वाली है, लीवर उसे सब चीजों को एक्सट्रैक्ट करेगा, और बॉडी के जिस पार्ट में जो चीज की सप्लाई देनी है वो उसको वहां से भेजेगा। तो लीवर को भी यहाँ पर बृहस्पति से कन्वर्ट किया जाता है, यानी गुरु ही देखता है कि किसको शरीर में किस चीज की जरूरत है और संसार में किस शिष्य को क्या चाहिए, है ना। देखो कितनी अच्छी चीज है। इसके बाद हम बात करेंगे, यही जब दांत आपके शरीर में कमजोर होने लग जाएं तो समझ लीजिएगा कि मंगल या बुध का समय चल रहा है और आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल ही प्रभावित कर रहे हैं दांतों को। जब आपकी नसें दांतों की मसूड़ों की कमजोर होने लग जाए तो बुध को पकड़ लीजिएगा। जब दांतों के अंदर सेंसिटिविटी आने लग जाए तो बुध को पकड़ लीजिएगा। और जब आपको पेट की वजह से दांत में समस्या होने लग जाए तो भी आप मंगल और बृहस्पति को पकड़ लीजिएगा। जब आपको खाना ना पचने की समस्या आने लग जाए तो भी आपको बृहस्पति और चंद्रमा को ही समझना होगा, है ना। देखो कितना अनूठा और कितना रहस्यमय विज्ञान। सब कुछ तो हमारे शरीर के अंदर है, बाहर क्या ढूंढने निकलते हो। अगर यदि आप अपने अंदर ही सब कुछ ठीक करते जाओगे तो आपको जीवन की सभी समस्याओं का हल ईश्वर आपको जरूर देगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि तू सिर्फ मेरा ध्यान कर सही तरह से और सब करके आप मुझे सौंप दो अपने सारे कर्म, मैं आपके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इसीलिए आपको एक चीज और समझाता हूं इसी दांतों के आधार पर। हमारे लिए सबसे पहले फ्रंट पर मुंह के अंदर दांत दिए हैं, इट्स अ बॉडी गार्ड, जो शरीर में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए तो जीभ भी दे रखी है, पूरा एनालाइज कर लेती है। जब आप मेट्रो स्टेशन, किसी बड़े मॉल या किसी बड़े कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, तो आपकी पहले वहीं पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है। आप एयरपोर्ट जाते हैं, वहां पर भी आपकी पहले सिक्योरिटी चेकिंग होती है।
तो इसीलिए मुंह के अंदर दांत का काम और जीभ का काम यही है कि पहले खाने को बाहर ही परख लिया जाए कि कैसा है। नहीं स्वाद आता तो आप अपनी मम्मी को बोल देते हो ना, क्या खाना बनाया माँ, मुझे नहीं पसंद आया, तो आप उसे अंदर बॉडी में नहीं जाने देते। इसी तरह से आप अपने आप को भी समझिए और अपने दांतों को सुरक्षित रखिए, मजबूत रखिए। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ, आपकी लंबी उम्र हो, अच्छी सेहत हो, अच्छा धन धान्य हो और आपका अच्छा करियर हो। इसी के साथ मैं आपके लिए फिर दोबारा से उपस्थित होऊंगा। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।